महात्मा जी मैं धन्य हूँ, आश्चर्य हूँ, ये आपका वचन सच्चा तो है, परंतु मैं दक्षिणाओं के साथ धन्य और आश्चर्य हूँ। दक्षिणाओं के साथ अब राजा जितने वहां राजा बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि महाराज जी आप लोग आपस में क्या मंत्रणा कर रहे हैं, संकेत की भाषा में गुप्त भाषा में बोलते हैं, न तो हमें नारद की बात समझ में आई कि आप धन्य और आश्चर्य हैं, और न तो आपकी बात समझ में आई कि दक्षिणाओं के साथ, तो इसका क्या रहस्य है। ये देखो आपको पुराण की एक कथा सुनाता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा राजाओं से कि आप नारद जी से ही पूछिए कि इसका क्या रहस्य है, तो नारद जी ने सुनाया। नारद जी बोले कि एक बार मैं व्रत लेकर के गंगा जी में निवास करता था। गंगा जी में, गंगा जी का तट और गंगा जी की धारा, ये आपको शायद मालूम होगा, प्राण प्रकृतिक ब्रह्मा होता है और अप्रकृतिक जल प्रकृतिक विष्णु होता है और अग्नि प्रकृतिक रुद्र होता है। ये जल जो है यही विष्णु की प्रकृति है, इसीलिए कहते हैं कि क्षीर सागर में भगवान निवास करते हैं। ये जल के द्वारा ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। हाँ, तो गंगा जी में तपस्या कर रहे थे नारद जी, तो उन्होंने बताया कि मैंने एक दिन देखा कि एक बड़ा भारी कछुआ है, कच्छप। अरे वो तो जैसे पहाड़ सरीखा हो ऐसा कच्छप, वो कभी अपने हाथ पांव निकाल ले कभी समेट ले, कभी अपना मुंह निकाल ले कभी समेट ले, कभी चुप बैठे कभी चले। तो उस कच्छप को देख करके हमें बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने कहा कि कच्छप राज कुर्म तुम आश्चर्य हो और धन्य हो। तो कच्छप हंसा, बोला मैं आश्चर्य और धन्य नहीं हूँ, गंगा जी आश्चर्य और धन्य हैं जिनके पेट में मैं रहता हूँ। तो नारद जी ने, अब ये कथा बड़ी लंबी है, इसका आपको केवल उद्देश्य गिनती सुनाता हूँ। गंगा जी से नारद जी ने कहा कि देवी तुम धन्य हो और आश्चर्य हो। गंगा जी ने कहा कि मैं क्या धन्य आश्चर्य हूँ, समुद्र धन्य और आश्चर्य है। पूर्व जो है वो जोगात्मक है और गंगा जी धारात्मक है। स्थिर हो जाना ये कूर्म का लक्षण है कछुए का, और बहना परमेश्वर की ओर ये गंगा जी का लक्षण है। गंगा जी ने कहा मैं क्या धन्य आश्चर्य हूँ, समुद्र धन्य आश्चर्य है जिसमें मेरी जैसी हजारों नदियां आ करके मिलती हैं, समुद्र धन्य और आश्चर्य है। तो नारद जी समुद्र के पास गए, समुद्र ने भी कहा कि मैं क्या धन्य और आश्चर्य हूँ, ये पृथ्वी धन्य और आश्चर्य है जो मुझे धारण करती है। फिर पृथ्वी के पास गए, बोले पृथ्वी क्या धन्य और आश्चर्य है, पृथ्वी ने कहा ये पर्वत धन्य और आश्चर्य है जिनमें कितने रत्न और कितने मणि माणिक्य और कितने सब भरे हुए हैं, बड़े महत्वपूर्ण है ये पर्वत। तो नारद जी ने पर्वतों से कहा कि तुम धन्य और आश्चर्य हो। पर्वतों ने कहा कि महाराज हम क्या धन्य आश्चर्य हैं, धन्य और आश्चर्य तो वो ब्रह्मा है जिसमें संपूर्ण विश्व की खान भरी हुई है। ब्रह्मा जो है वो धन्य और आश्चर्य है। तो ये पर्वत पर्यंत तो आदि भौतिक कोटि है और इसके बाद आदि दैविक कोटि है। ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी आप आश्चर्य और धन्य हैं। तो ब्रह्मा जी ने मैं क्या आश्चर्य धन्य हूँ ऐसे कहा। आश्चर्य और धन्य तो वेद हैं जिनकी वजह से मैं ब्रह्मा बना हूँ और सारे खजाने मेरे अंदर आए हैं। तब नारद जी ने वेदों की उपासना की, बोले कि हे वेद तुम धन्य हो,
वेदों ने दर्शन दिया, साक्षात्कार हुआ वेदों का, चार वेदों का। वेदों ने कहा कि हम धन्य नहीं हैं, धन्य तो यज्ञ हैं, क्योंकि हम लोग यज्ञ का विधान करते हैं। तब नारद जी ने यज्ञों की आराधना की। जब यज्ञों की आराधना की तो यज्ञ प्रकट हुए। वो बोले कि देखो, प्रजापति तो यजमान है और वेद ज्ञान है और यज्ञ हम क्रिया हैं। हमारे आराध्य तो विष्णु है, इसलिए यज्ञ धन्य और आश्चर्य नहीं है, विष्णु ही धन्य और आश्चर्य है। विष्णु जो है उसको व्यापक बोलते हैं, व्यापक वेदेष्टि विश्वम इसी विष्णु, जो संपूर्ण विश्व को बेष्टन, जो संपूर्ण विश्व का बेष्टन बना हुआ है उसको विष्णु कहते हैं। वेष्टन माने होता है जैसे पुस्तक को हम किसी वस्त्र से आविष्टित कर देते हैं, वैसे संपूर्ण विश्व को जो घेर करके बैठा है अत्यतिष्ठ दशांगुलम, उसका नाम है विष्णु। विशति से विष्णु नहीं बनता है, विशति विश्वामिति विष्णु का ये विष्णु शब्द की व्युत्पत्ति नहीं है, वेदेष्टि विश्वामिति विष्णु। विशति से बनावे तो तालव्य सकार का मूर्धन्य सकार नहीं हो सकता है, वो तो तालव्य सकार वाले विस्तृत प्रवेश ने धातु से विष्णु शब्द बनता है। विष्णु धन्य है, नारद जी ने कहा अच्छा तो विष्णु से मिलेंगे। अब विष्णु कहाँ मिलेंगे ये प्रश्न हुआ, तो विष्णु का जब अनुसंधान करने लगे नारद जी तो उन्हें पता लगा कि आजकल विष्णु भगवान धरती पर है और वो टपक पड़े धरती पर और राजाओं के सभा में और देखा श्री कृष्ण को और बोले कि तुम धन्य और आश्चर्य। हरिवंश में ये कथा है, बोला तुम धन्य और आश्चर्य हो। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ मैं धन्य और आश्चर्य तो हूँ, परंतु दक्षिणा के साथ, माने बिना दक्षिणा के कोई यज्ञ जो है वो पूरा नहीं होता है, ऐसा जैसे कर्म कांड में नियम है। ब्राह्मण से बेगार में ब्राह्मण बुला लिए, कहा महाराज जरा होम करा दो, अरे जरा मंत्र बोल दो, और कम से कम दक्षिणा देनी पड़े। सेठ लोग तो ऐसे तय करते हैं, वो जैसे तांगे वाले से तय करते हैं कि एक रुपए में पहुंचा दो, वैसे पंडित लोगों से भी तय करते हैं। तो अब उसमें जो चित्त का संकोच है ना, वो फल में बाधक होता है। वहाँ कम देने से काम नहीं चलता, वहाँ ज्यादा से ज्यादा जो दिया जाता है वही काम देता है। अच्छा, तो अब ये हुआ कि ये श्री कृष्ण ही धन्य और आश्चर्य है, वो बोले कि दक्षिणा के साथ। अब आप देखो यहाँ, अधि जज्ञो हमें वात्र देहेस्मिन पुरुष अर्षभ। गीता में आप पढ़ते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या हैं? सारे यज्ञ भगवान श्री कृष्ण में प्रतिष्ठित हैं। असल में यज्ञ जितना होता है उसकी श्री कृष्ण में प्रतिष्ठा है। विष्णु श्री कृष्ण है ये कहने का अभिप्राय क्या है? श्री कृष्ण ने छाती ठोंक के कह दिया, सचमुच मैं ही धन्य और मैं ही आश्चर्य हूं। तो दक्षिणा क्या है? दक्षिणा है विद्या। यदि इस परमात्मा को जान लिया गया, यदि इस वृत्ति के अभिषय को भी, मैंने एक बार उड़िया बाबा जी महाराज से कहा कि महाराज आत्मा तो वृत्ति का अभिषय है, इसका ज्ञान कैसे होगा? तो बोले कि ये तुम कहाँ सुन के आए हो, वृत्ति का अभिषय है ये बात जानी गई कि नहीं जानी गई? यदि वृत्ति का अभिषय है ये बात नहीं जानी गई तो तुम वृत्ति का अभिषय कैसे कहते हो, और यदि वृत्ति का अभिषय है
ये बात जान ली गई तो तुमने कैसे जाना वो बताओ। तो असल में वृत्ति के अभिषय के भी ज्ञान की एक प्रक्रिया है, वो सद्गुरु की शरण में जाकर वेदांत संप्रदाय की रीति से वो प्रक्रिया, वो शैली, वो ढंग, वो तरकीब, वो युक्ति प्राप्त करनी पड़ती है जिससे अभिषय विषय होता है। नहीं तो राह चलते लोग उसको विषय कर लेते ना अपनी वृत्तियों का। तो आप देखो, पहले अस्मिता मिटाने के लिए हमें श्री कृष्ण के बारे में, यही गीता का श्री कृष्ण, उसके बारे में थोड़ी बात समझनी पड़ेगी। गीता का आदि भौतिक रूप वो है जो ब्रजवासियों में रहता है, ग्वाल बालों के साथ खेलता है, गौएं चराता है, गोपियों के साथ छेड़छाड़ करता है, इसमें डरना नहीं ना? वो कृष्ण है। ये कृष्ण का ऐतिहासिक, ये कृष्ण का आदि भौतिक रूप है और श्री कृष्ण का आदिदैविक रूप है बैकुंठनाथ गोलोक बिहारी, ये आदिदैविक रूप है। और श्री कृष्ण का आध्यात्मिक जो रूप है वो विलक्षण है। आप देखो, यदि आप भौतिक जगत में उन्नति प्राप्त करना चाहते हो तो आदि भौतिक श्री कृष्ण के, ऐतिहासिक श्री कृष्ण के, महापुरुष के जो लक्षण हैं, जो आदर्श हैं, जो सद्गुण हैं, जो सद्भाव हैं, उनका आदर कीजिए, उपासना कीजिए और लौकिक उन्नति प्राप्त कीजिए। ये महाभारत के श्री कृष्ण आदि भौतिक कृष्ण हैं। युद्ध में विजय प्राप्त कीजिए, ये द्वारकानाथ श्री कृष्ण आदि भौतिक कृष्ण हैं। उनसे भौतिक संपत्ति प्राप्त कीजिए। परंतु जो बैकुंठनाथ गोलोकनाथ हैं, वो आदिदैविक श्री कृष्ण हैं और उनकी आराधना करने पर आप आदिदैविक संपदा प्राप्त कर सकते हैं। गोलोक में जा सकते हैं, बैकुंठ में जा सकते हैं, वहां की संपदा प्राप्त कर सकते हैं। परंतु हमारे जीवन में जो अस्मिता नाम का दोष है आध्यात्मिक, उसके निवारण के लिए आध्यात्मिक कृष्ण की आवश्यकता पड़ती है। वो तो कृष्ण से जहाँ काम लेना होगा वहाँ के कृष्ण काम देंगे, बाहर काम लेना हो तो बाहर के कृष्ण और भीतर काम लेना हो तो भीतर के कृष्ण। आप अस्मिता, अस्मिता माने मैंपना, मैंपना को काटने के लिए आप श्री कृष्ण का आश्रय कैसे लेंगे? आप गीता में श्री कृष्ण के स्वरूप पर विचार कीजिए। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरित प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम तपाम्यहमहम वर्षम निगृहणाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सद सच्चा हमर्जुन। ये श्री कृष्ण के अस्मि को देखिए, आपका जो अस्मि है, आप श्री कृष्ण के अस्मि पर ध्यान दीजिए। रसो हम अब सुकौंतेय प्रभास्मी, अस्मि अस्मि लेना ना, बस अस्मि लो। प्रभास्मी सति सूर्यो प्रणव सर्व वेदेशु शब्द के पौरुषम ऋषु। भगवान के, ईश्वर के अस्मि को देखिए, उसमें आपके अस्मि का क्या स्थान है। आप द्वादश लक्षणी पहले देखिए, श्री कृष्ण के द्वादश लक्षणी इसको बोलते हैं। श्री कृष्ण के बारे में ये बहुत प्रसिद्ध है,
आप एक मोटर देखिए, मोटर मोटर की जगह पर इस प्रपंच को, इस संसार को रख दीजिए, जगत। आपको मालूम है जगत और संसार, इनको श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने दो माना है, वो दो माना है। जगत क्या है? ये मिट्टी, पानी, आग, हवा, स्त्री पुरुष, पशु, पक्षी, मनुष्य, इसका नाम जगत है। और मैं, मेरा, इसका नाम संसार है। आप जगत और संसार के भेद पर दृष्टि पहले दें। एक स्त्री का शरीर है तो स्त्री जगत है, लेकिन वो पत्नी है कि बहन है कि बुआ है कि माँ है कि मौसी है कि नानी है, ये जो उसके साथ रिश्ते हैं ना, रिश्ते, इसका नाम संसार है। दोनों में फर्क है कि नहीं? एक पुरुष है वो जगत है, परंतु वो पिता है, वो पुत्र है, वो भाई है, वो दादा है, वो नाना है, ये जो संबंध है ये संसार है। तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि जब भगवान के साथ संबंध होता है तो संसार मिट जाता है और जगत रहता है। स्त्री रहेगी, पुरुष रहेगा, पर ये जो संबंध जो दुख देने वाला, दुखदाई संसार होता है, किसी वस्तु का होना दुखदाई नहीं होता है, उसके साथ दोस्त दुश्मन का संबंध दुखदाई होता है। तो हमें यदि ईश्वर के साथ अपना एक संबंध जोड़ लेना है तो संसार के साथ, जगत के साथ जो संबंध है वो संबंध टूट जाते हैं, संसार की निवृत्ति हो जाती है। संसार माने दुख, संबंध ही दुख है। बोले बाबा हमारे कोई अद्वैती कट्टर अद्वैती बैठी बैठे हो, अद्वैत वेदांती, वो कहेंगे कि ये तुमने जगत और संसार दो कहां से कर दिया? शंकराचार्य तो दोनों को एक ही मानते हैं। तो हम आपको याद दिला देते हैं कि पंचदशी में ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि दो प्रकार की सृष्टियों का वर्णन है। ये स्त्री पुरुष ईश्वर सृष्टि है, ये मिट्टी पानी आग ईश्वर सृष्टि है, ये पशु पक्षी जो हैं ये ईश्वर के बनाए हुए हैं, और उसमें ये मेरी पत्नी और ये मेरा पति और ये मेरा नाना और ये नानी और ये दादा और ये दादी, ये सब जो संबंध की सृष्टि है ये जीव सृष्टि है। तो शंकराचार्य के मत में भी जीव सृष्टि ही दुखदाई होती है, ईश्वर सृष्टि दुखदाई नहीं होती। माने हम जो बनाते हैं उसमें दुख पैदा हो जाता है, ईश्वर जो बनाता है उसमें दुख पैदा नहीं होता। ये शंकर मत में भी ऐसे ही मानते हैं, और यहाँ तक कि सांख्य मत में भी ऐसे ही मानते हैं कि जितना दुख है प्रकृति ने नहीं बनाया है, दुख न प्रकृति बनाती न पुरुष बनाता, तब कौन बनाता है? तो बोले अविवेक बनाता है। प्रकृति दुख नहीं बनाती और पुरुष भी दुख नहीं बनाता, परंतु दोनों का जो अविवेक है वो अविवेक दुख की सृष्टि कर देता है। तो आप नारायण देखो, एक है जगत, जगत में है चाल, जैसे मोटर में चाल होती है, जगत है मोटर के समान। तो मोटर में जैसे चाल होती है वैसे जगत में भी एक चाल है। भगवान ने कहा गति ही, ये जगत रूप मोटर की चाल में हूँ, ये जो कभी छिप के और कभी प्रकट होके, कभी तेजी से कभी धीरे धीरे, ये जो दुनिया चलती है इसकी चाल में हूँ। गति भरता,
पेट्रोल डालना हो इसमें तो बोले भगवान ही पेट्रोल डालते हैं। ये खाद डालना, इसको इसका सिंचन करना, ये भगवान का काम है। अच्छा मालिक कौन है? इस मोटर के मालिक भी वही है, प्रभु गतिर भरता प्रभु, प्रभु माने मालिक, मालिक भी वही है। जब ये चलती है तो इसको देखता कौन है? तो साक्षी भी वही है, प्रभु साक्षी। तो ये मोटर रहती कहाँ है? धरती पर, धरती भी वही है, निवासा शरणम। जब इसको बंद करके रखना होता है तो गैरेज भी वही है, बोला उसी में ये दुनिया रखी जाती है, निवासा शरणम। और जब ये मैली हो जाती है तो इसको साफ कौन करता है? जब टूटती है तो मरम्मत कौन करता है? सुहृद, वही सुहृद है। बनाई किसने? प्रभावा, उन्होंने ही बनाई। प्रलया, तोड़ता कौन है? का वही प्रभावा प्रलया। स्थानम, इसका मैकर क्या है? का वही है, जिस जिन धातुओं में इसके पुर्जे बने हैं वो वही है। निधानम, ये तोड़ फोड़ के कहाँ मिलती है? का उसी में मिलती है। का फिर पैदा होती है कि नहीं? का बोले अव्ययम बीज, अव्यय बीज वही है। ये संपूर्ण जो जगत है, अब आप देखो उसमें इस शरीर को लेकर के जो हमारा मैं जुड़ता है वो क्या है? तपाम यहम हम वर्षाम निगृहणाम सृजाम च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाम अर्जुन। तपाम यहम, गर्मी पड़ती है कौन? का भगवान। वर्षा पड़ती है का भगवान। भगवान ही कभी मोटर पकड़ लेते हैं वो, और जब्त कर लेते हैं मोटर को, निगृहणामि और उत्सृजामि च, कभी मुक्त कर देते हैं, छुट्टी दे देते हैं। अमृत भी वही है, मृत्यु भी वही है, सत भी वही है, असत भी वही है। अब देखो, जब सब वही है तो तुम्हारा मैं कहाँ है और तुम्हारे अलग संबंध कहाँ है? जैसे धरती में इतनी जमीन हमारी है, ये हमारी मान्यता है, आपकी समझ में जल्दी ध्यान में आवे ना आवे, बोले हमने इसकी कीमत चुकाई है। अच्छा, तब तो जरूर आपकी है क्योंकि आपने कीमत चुकाई है। बोले नहीं नहीं, हमको हमारे बाप से मिली है, तब जरूर आपकी है। बोले नहीं, हमको तो दान में मिली है, तब जरूर आपकी है। कह नहीं, हमने लाठी के जोर से इस पर कब्जा किया है, तब जरूर आपकी है। पर जब आप नहीं थे तब भी वो धरती थी, और आप नहीं रहेंगे तब भी वो धरती रहेगी। उस धरती में आपने मैं मेरा जोड़ा है, आपका मैं मेरा उसमें है नहीं। आपकी मृत्यु भी उसी धरती में और आपका जीवन भी उसी धरती में। ऐसे है, ऐसे है परमात्मा। आपका इस अहम भाव, जिसके कारण पहले अहम भाव होता है फिर दूसरों के साथ संबंध होता है, जितना मेरा होता है वो मैं पूर्वक ही होता है। यदि पहले मैं ना हो तो मेरा पैदा ही नहीं हो सकता। मैं के बेटे का नाम मेरा होता है, मेरा के मालिक का नाम मैं नहीं होता, मैं के बेटे का नाम मेरा होता है। पहले मैं होता है और पीछे मेरा होता है। आप देखो, ईश्वर की सृष्टि में, ईश्वर की सृष्टि में आपका मैं क्या है? ईश्वर की सृष्टि में आपका मैं क्या है? तो ऐश्वर्य, ईश्वर के ऐश्वर्य पर जब दृष्टि जाती है तब मैं धरती का मालिक हूँ। अच्छा नहीं जी, मैं सोने का मालिक हूँ, चांदी का मालिक हूँ, हीरा मोती का मालिक हूँ। ये जब बड़े बड़े सेठ लोग, राजा लोग जब मालिक बनते हैं ना, तो महात्मा लोग भले उनके चेहरे पर मुस्कान में आवे लेकिन भीतर ही भीतर हंसते हैं। धरती हंसती है, पानी हंसता है,
ये तुम्हारा मैं पना, ये तुम्हारा मेरा पना, क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा मैं पना, और जिसके बल पर दुनिया को मेरा बोल दो। तो ईश्वर के ऐश्वर्य का विचार करने से, उसकी ईश्वरता का विचार करने से, जतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम स्वरित सारे जगत का वही है, प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीज मव्ययम तुम्हारा अस्मी भाव, तुम्हारा मैं पना कहाँ से पैदा हुआ है और कहाँ रह रहा है और कहाँ विलीन हो जाएगा, ये सारा मैं पना जो तुम्हारा है वस्तुओं के संबंध से वो सुषुप्ति में कहा जाता है, और जो वस्तुओं के संबंध से नहीं है वो भी ईश्वर में क्या है, और जो ईश्वर में मालूम पड़ता है वो भी दरअसल तत्व धातु में क्या है। तो इस अस्मिता की निवृत्ति के लिए गीता में एक बार मैं एक महात्मा के पास गया, सुनाया होगा आपको कई बार, मैं 16-17 बरस की मेरी उम्र थी, उसमें 17 बरस थी, हमको मालूम पड़ गया था कि हमारे पितामह के मन में ये बात बैठ गई थी कि मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, अभी बचपन से ये सुनने को मिलता था, घर में ज्योतिष की चर्चा होती थी, पंडितों की चर्चा होती थी, कभी कभी तो हम पढ़ते काशी में, 12 बरस की उम्र में आ गए थे, काशी में पढ़ते तो हमारे बाबा हमारे साथ ही कुंडली लेकर किसी किसी ज्योतिषी के पास पहुंच जाते और वहां चर्चा होती कि इस बच्चे की उम्र कितनी है, वो सब मैं सुनता, तो मेरे दिमाग में बैठ गया था कि 18-19 बरस, 19 बरस तक हमारी उम्र है, ये बात हमको बैठ गई थी। अब वो 19 बरस की होती तो अब तक मैं कैसे होता है। एक बात दूसरी है, ये तो महात्माओं के पास में जाने लगा था, एक ये भी लोभ था कि कोई ऐसा महात्मा मिल जाए जो हमारी उम्र बढ़ा दे, हमारी मौत को टाल दे, इन लोगों के मन में ऐसा होता है ना, पर ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि किसी ठग महात्मा के पास में नहीं है, कि जो कह दे कि हम ऐसी दवा दे देते हैं और तुम्हारी मृत्यु टल जाएगी, है और क्षमा के रूप में है, प्रत्येक अपराधी को दंड नहीं देना हो, वो दंड जो दिया जाता है ना, वो दंड देने वाले को भी थोड़ा बहुत मिलता ही है, यदि स्त्री अपने बच्चे को क्षमा नहीं करेगी, बच्चे की बात छोड़ो, अपने देवर को क्षमा नहीं करेगी, उसने कोई हंसी मजाक कर दिया और उसने झट अपनी सास से ससुर से अपने पति से झगड़ा लगाया और पति और देवर का झगड़ा हो गया, तुरंत भुला देना चाहिए, घर में ऐसा होता ही रहता है, ससुर जी ने प्रेम से देखा और पति से कह दिया, पति ने किसी दूसरी स्त्री की ओर देख लिया और तुरंत लड़ाई शुरू हो गई, नहीं भाई क्षमा करना चाहिए उसको, ये नहीं कि घर में हर समय हाथ में डंडा लेकर के हाथ में हर समय खड़ी रहे, ये स्त्री का सद्गुण नहीं है, स्त्री का सद्गुण ये है कि अपराध तो लोग करते ही रहते हैं और वो अपने हृदय को न बिगाड़े क्षमा करती चले, क्षमा धरित्री का रूप है, वो ये बाघ जो है वो सरस्वती का रूप है, श्री लक्ष्मी का रूप है और क्षमा जो है वो धरती का रूप है, ये स्त्री जो है वो पृथ्वी की तरह क्षमाशील है, गंगा की तरह पावनी है, समुद्र की तरह गंभीर है और दुष्टों के लिए अग्नि के समान प्रज्वलित है, और वायु जैसे सबको प्राण देता है वैसे प्राण देने के लिए है, और वो आकाश के समान सबको धारण करने वाली है, तो इसी से भगवान ने स्त्री के शरीर में एक विभूति नहीं साथ साथ विभूति बताई, आपका ध्यान इसलिए खींचा
गीता तो हम लोग पढ़ते हैं ना, परंतु ये गीता जरा बहुत थोड़े में कही गई है, सूत्र रूप है, सूत्र रूप, इसलिए लोगों का ध्यान उसमें जो थोड़े में बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं उस पर ध्यान नहीं जाता। तो अब तो पाठ तो कर जाते हैं, कीर्ति शरीर वाच नारी नाम स्मृतिर मेधा धृति क्षमा, परंतु उधर ध्यान तो नहीं जाता है ना। इसमें तो हमारे लिए भगवान ने बताया, तुम हमको अपने भीतर बसा लो, हम सात रूप में तुम्हारे भीतर बसते हैं, तुम्हारी जबान पर, तुम्हारी जीभ पर हम रहते हैं, भगवान कहते हैं तुम्हारी जीभ पर हम रहते हैं, तुम्हारी धृति में हम रहते हैं, तुम्हारी क्षमा में हम रहते हैं, तुम्हारी स्मृति में हम रहते हैं, तुम्हारी सुंदरता में हम रहते हैं, तुम्हारी पवित्र कीर्ति में हम रहते हैं। कई तरह गीता में है तो छोटी सी गीता केवल 700 श्लोक और उसमें भी 40-50 श्लोक तो ऐतिहासिक हैं, इतिहास संबंधी हैं, और उपदेशों में भी ये नहीं। एक सज्जन ने एक बार कहा कि हम तो गीता का एक ही अक्षर मानते हैं और उसको धारण करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरे ने कहा कि तामसकर्ता का लक्षण आप धारण करना चाहते हैं क्या, करता तामस आत्मता, अच्छा तो आप ये आसुरी संपत्ति धारण करना चाहते हैं क्या? अरे भाई, जो उसमें धारण करने के लिए कहा गया है वही धारण करना, एक एक अक्षर धारण नहीं करना, एक जो छोड़ने के लिए कहा गया है वो छोड़ देना, जो धारण करने के लिए कहा गया है वो धारण करना। हमारा कहना ये है कि ये गीता हमारे सर्वतोमुखी जीवन के लिए उन्नति का एक सोपान है। ये भगवान जैसे कोई घर का रास्ता बच्चा भूल गया हो और माँ आवाज देकर उसको बुलावे कि तुम इस रास्ते कैसे चले आओ, बाएं से चले आओ, दाहिने से चले आओ। कभी ही हम लोग बच्चे थे ना, गांव के बच्चे ऐसे शहरी बच्चे तरीके थोड़े होते हैं, रास्ते भूल गए, कैसे भूल गए, गन्ने के खेत में घुस गए, अब इधर को निकले तो बाहर आवेंगे और न जाने कितने एकड़ भूमि तक गन्ने ही गन्ना, अब किधर जाएं तो निकलेंगे बाहर। हाँ, तो हमारे बाबा बाहर से आवाज देते, देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, इधर को आ जाओ, इधर को आ जाओ, तो हम उधर को चले जाते हैं। तो ये जीव जो संसार में भटक गए हैं उनके ऊपर करुणा करके भगवान गीता के रूप में अपनी सहृदयता, अपनी वत्सलता और समता के साथ ममता, ये गीता में ममता तो है परंतु समता को छोड़ करके नहीं है, इसमें कर्म है परंतु कामना के साथ नहीं है, बना इसमें प्रेम है पर अपने भोग के लिए नहीं है, इसमें ज्ञान है परंतु राग द्वेष के लिए, अभिमान के लिए नहीं है। ऐसी ये गीता भगवान ने हमारे कल्याण के लिए भेजी है। अब इसका और कोई विषय कल आपको सुनाएंगे।